देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलकर भी इस कार्यक्रम की कल्पना दी गई है और मुझे ऐसा लगता है ये धार्मिक आध्यात्मिक देश में लोग इसके समर्थन में खड़े रहेंगे और माता सीता का एक भव्य मंदिर वहां पर खड़ा होगा जिससे पूरे देश की आस्था रहे। रामायण रिसर्च काउंसिल के माध्यम से माता सीता का एक भव्य वहां स्मारक खड़ा होना चाहिए, पूरे देश के लोगों के तीर्थाटन की एक नई जगह होनी चाहिए और जो सीतामढ़ी की एक पावन परंपरा रही है उसको नए ढंग से उद्वेलित कर पूरे देश के लिए एक आकर्षण स्थान, एक तीर्थाटन का स्थान, एक पवित्र श्रद्धा स्थान निर्माण करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। गए कई सालों से वो इसमें लगे है। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह हिमाचल भवन रामायण रिसर्च काउंसिल की बैठक में एक नई शुरुआत का अलग तरीके से आगाज कर रहा है और उस आगाज की शुरुआत अगर मैं बोलूं माता सिया यानी जानकी माँ के मंदिर के निर्माण के संकल्प के साथ कुछ ऐसे चेहरों से की जा रही है जो शायद कल को इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि यह शुरुआत की किसने थी। एक ऐसी शख्सियत श्री श्याम जाजू जी जिनको बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि भाजपा के संगठित और कर्मठ चेहरों में अगर कुछ नाम चुनिंदा गिने जाते हैं तो उनमें आप शुमार हैं। सबसे पहले लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में स्वागत है। नमस्कार। ये रामायण रिसर्च काउंसिल, माता सिया का मंदिर और आप कैसे देखते हैं इसको? रामायण रिसर्च काउंसिल के माध्यम से माता सीता का एक भव्य वहां स्मारक खड़ा होना चाहिए, पूरे देश के लोगों के तीर्थाटन की एक नई जगह होनी चाहिए और जो सीतामढ़ी की एक पावन परंपरा रही है उसको नए ढंग से उद्वेलित कर पूरे देश के लिए एक आकर्षण स्थान, एक तीर्थाटन का स्थान, एक पवित्र श्रद्धा स्थान निर्माण करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। गए कई सालों से वो इसमें लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलकर भी इस कार्यक्रम की कल्पना दी गई है और मुझे ऐसा लगता है ये धार्मिक आध्यात्मिक देश में लोग इसके समर्थन में खड़े रहेंगे और माता सीता का एक भव्य मंदिर वहां पर खड़ा होगा जिससे पूरे देश की आस्था रहेगी। क्या ऐसा लगता है कि यह वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसा कलयुग में एक प्रयास है जो आने वाले समय में भारतीय नारी शक्ति का सीधा एकमात्र शोध केंद्र होगा? सीता जी के चरित्र से बहुत सी बातें लोग सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं और उसमें आस्था रखते हैं। तो सीता जी का व्यक्तिमत्व अपने आप में श्रद्धा तो है ही, उसके साथ साथ नारी शक्ति का जो सरकार का भी एजेंडा है, देश के 50% महिला शक्ति, उनको जागरूक करना, उनकी शक्ति बढ़ाना और उनका इस योगदान लेना राष्ट्र कार्य में, ये बहुत बड़ा काम इस माध्यम से हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आध्यात्मिक धार्मिक स्थान तो बनेगा ही, उसके साथ साथ एक सामाजिक स्थान भी बनेगा और लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी। आने वाली पीढ़ियों से, युवाओं से आप क्या संदेश देंगे एक लाइन में कि उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो माता सिया के इस पुण्य और बड़े काम में? इस प्रकार के भव्य स्मारक खड़े होने से केवल मूर्ति की स्थापना नहीं होती है, लोगों को प्रेरणा का एक स्थान वहां पर बनता है और ऐसे जगह पे जाने से ही लोगों की जो भावना जागृत होती है उसका एक अपना महत्व है। जीता जागता प्रेरणा देने का एक स्थान इस निमित्त से होने वाला है, आने वाली जनरेशन को बहुत ही निश्चित रूप से उपकारक इस प्रकार का स्थान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।